आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम, सबको मेरी राम राम। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे एक तरह से, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है, कोई भाई है। आज सिवानी आके बहुत अच्छा लग रहा है, अपने लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन के कई दिन यहाँ गुजारे थे, मैं इनको बता रहा था, वो अड्डे पे हमारी किराने की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे केकर चाचा जी के साथ मैं बैठा करता था, एक साल बैठा था मैं वहाँ पे। आज अपनी जन्मभूमि पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन सारी पार्टियों ने मिलके हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। 25 मार्च को हिसार में रैली हुई थी, सिवानी से भी बहुत सारे लोग गए थे रैली में। उस रैली को सफल बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब से वो रैली हुई है, तब से इन पार्टियों के होश उड़ गए हैं सबके। अपने को अब सबको मिलके एक नया हरियाणा बनाना है। सबको मिलके एक नया हरियाणा बनाना है। नया हरियाणा पुरानी पार्टियों से नहीं बनेगा, नया हरियाणा पुराने नेताओं से नहीं बनेगा। उनको सबको देख लिया, कभी एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, एक बार इनेलो, सबको ट्राई करके देख लिया, बात नहीं बनी। जिसका भी राज आया, उसने 5 साल लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, लूटने के सिवा उसने कुछ नहीं किया। बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद लूटने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। 3 साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक चमत्कार करके दिखाया था। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी औकात ही क्या थी। 3 साल पहले दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली में भी यही हाल था, 5 साल बीजेपी आ जाती, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल लोगों के पास विकल्प नहीं था। फिर आम आदमी पार्टी बनी, अन्ना आंदोलन से बनी, लोगों को लगा यार ये लड़के तो ठीक है, ईमानदार लड़के हैं, डरते नहीं है किसी से। तो लोगों ने जम के आम आदमी पार्टी को वोट दिया और दोनों पार्टियों को लात मार के भगा दिया दिल्ली के लोगों ने। कांग्रेस को 0 सीट गई, बीजेपी को 3 सीट गई और आम आदमी पार्टी को 67 सीट गई दिल्ली की जनता ने। उससे ज्यादा खुशी मेरे को आज इस बात की है, 3 साल के बाद आज दिल्ली में आप जाके दिल्ली की जनता से पूछ लो, दिल्ली के गरीब लोगों से, दिल्ली के व्यापारियों से पूछ लो, दिल्ली के लोग आज 3 साल के बाद कितने खुश हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया, दिल्ली में सरकारी अस्पतालों का काया पलट कर दिया। सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर मिल रही हैं, सारे टेस्ट, सारे ऑपरेशन मुफ्त हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, पेंशन बढ़ा दी, इतने काम। दिल्ली में आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली, जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली का, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, आज 3 साल के बाद पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में। बहुत काम किए 3 साल में, उसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता है। आज दिल्ली की जनता कसम खा के कहती है कि जी पूरी जिंदगी में आम आदमी पार्टी को ही वोट दे। 3 साल पहले ही खट्टर को बनाया था आप लोगों ने, आज सारे हरियाणा की जनता कह रही है जी खट्टर को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। इतने नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? क्योंकि और सारी चीजें तो छोड़ो, 3 साल के अंदर हरियाणा में दंगे हुए,
दुकानें चलाई गई, घर चलाए गए, हड्डा साहब का कहीं ऐसा पता नहीं, ऐसे लगा जैसे कहीं बात है। कहां थे वो उसके? और पूरे हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर दंगे कराए। वो कहते हैं ये तुम्हारा वोट बैंक, वो कहते हैं तुम्हारा वोट बैंक, वोट बैंक के नाम पे हम लोगों की ऐसी कैसी करते हैं। उन्होंने अपने को दंगे चाहिए तो बीजेपी कांग्रेस को वोट दे, और अगर अपने को सुख शांति चाहिए, अगर अपने को अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, अपने घर की सुरक्षा चाहिए, अपनी दुकान की सुरक्षा चाहिए, अगर अपने को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, अगर किसानों को अपनी फसलों के दाम चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आज मैं अपने गांव में आया हूं और आप सब लोगों का प्यार और आप सब लोगों का सम्मान देख के बहुत खुशी हो रही है। तो एक चीज और आज आपसे मांगना चाहता हूं, ये हरियाणा को बदलने का जो प्रोग्राम है, हरियाणा को बदलने का जो मिशन है, ये मेरे से अकेले नहीं होएगा। एक तरफ तो हरियाणा की 2.5 करोड़ जनसंख्या, अगर हम सारे इकट्ठे हो गए, अगर 2.5 करोड़ लोग हरियाणा के इकट्ठे हो गए, सारे खड़े हो गए, तो कोई माई का नाम नीचे सकता है। लेकिन इसमें मैं सिवानी के अपने सारे रिश्तेदारों को, आप सारे रिश्तेदार हो जाए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कई लोगों से खून का रिश्ता है, कई लोगों से गांव का रिश्ता है, गांव का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। आप सब लोगों से उम्मीद है कि सब लोगों की रिश्तेदारियां हैं पूरे हरियाणा के अंदर, आप सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा निकालना, आप सब लोग एक 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 गांव की कहीं कहीं जिम्मेदारी ले लेना कि उस गांव का एक एक वोट शिवानी का तो पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शिवानी का तो एक भी वोट उल्टा नहीं पड़ना चाहिए, सारे वोट इधर जाने चाहिए। लेकिन जहां जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं उधर की भी एक एक गांव की जिम्मेदारी एक एक आदमी ले ले कि जी मैं जाऊंगा उस गांव में, और मैं उस गांव में जाके एक 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 घर में जाके और लोगों को कहूंगा कि इस बार हरियाणा बदलने के लिए अपने को झाड़ों के ऊपर बटन दबाना है। तो सब लोगों को आपको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सब लोग आप लोग थोड़ी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा दिल्ली के अंदर आप लोग देख रहे हो, अखबारों में पढ़ते हो, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली आधा राज्य, आधा भी क्या, आधे से भी कम राज्य, उसमें केंद्र सरकार रोज अड़चन लगाती है। जैसे अभी हम एक स्कीम लेके आए, हमने स्कीम बनाई भाई जितने अपने बुजुर्ग लोग हैं 60 साल के ऊपर, तो हमने कहा कि दिल्ली सरकार अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी, बताओ करो ठीक है? अगर अपने धर्म में भी लिखा है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का बहुत बड़ा पुण्य है जी, बहुत बड़ा पुण्य है। तो सरकार ने कहा कि अपने बुजुर्गों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली सरकार उनको मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएगी। तो उसमें 5 हमने तीर्थ यात्रा के स्थान लिख दिए कि यहाँ यहाँ जो जहाँ जाना चाहे हम, वो भी केंद्र सरकार ने अड़चन लगा दी, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिया। हम जो हम स्कीम बना के भेजते हैं उसके ऊपर, लेकिन हरियाणा पूर्ण राज्य, हरियाणा में कोई अड़चन नहीं हरा पाएगा, हरियाणा के अंदर ऐसा शासन करके दिखाएंगे, देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि शासन होता है तो ऐसे। तो आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा, अभी सब लोग हम मंदिर चलेंगे, मंदिर में जागरण का कार्यक्रम है।